वेलकम करते हैं आपको अपने YouTube चैनल पर। बात करेंगे कुछ आज पाकिस्तान के मुकाबले बांग्लादेश के हवाले से, जो मैच गुजरा बहुत अच्छे परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया पाकिस्तान ने। सबसे पहले जो उन्होंने बॉलिंग से स्टार्ट किया तो पाकिस्तान आज भी फार बेटर सुपीरियर टीम नजर आई बॉलिंग में। जब उन्होंने बॉलिंग का आगाज़ किया तो उन्होंने स्टार्टिंग में जो है पाकिस्तान की एक अच्छी स्ट्रेंथ रही है पिछले प्रीवियस कुछ मैचेस से, कि पाकिस्तान स्टार्ट में ही विद इन 10 ओवर्स 1 से 2 विकेट ले लेता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान हर दूसरी टीम के ऊपर हावी चला जाता है। और कोशिश की थी थोड़ा सा संभालने की मुशफीक रहीम ने और शाकिब अल हसन ने, दोनों एक्सपीरियंस कैंपेनर हैं, बांग्लादेश की तरफ से काफ़ी अर्से से क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं बांग्लादेश के लिए। और ओवरऑल ना कि सिर्फ 50 ओवर्स में 20 ओवर्स में और टेस्ट क्रिकेट में भी इवन जो है वो काफ़ी परफॉर्मेंसेज हैं इनकी, और शायद मेरे ख्याल से ये उनका आखिरी एशिया कप हो। कोशिश की उन्होंने थोड़ा संभाला दिया इनिंग्स को, लेकिन फिर शाकिब ने एक रैश शॉट खेला और शाकिब जो है वो डीप विकेट की बाउंड्री पे आउट हो गया कोई शॉट खेलते हुए। तो थोड़ा सा यहाँ पे अगर वो और जो है वो कोशिश करते कि इनिंग्स को डीप लेके जाते और जो है वो हेरी फेरी शॉट नहीं खेलते तो शायद जो है वो पाकिस्तान को टोटल मिलता वो हो सकता है कि शायद 225 के बाद हो सकता था। बहरहाल काफ़ी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया दोनों ने। फिर पाकिस्तान ने जैसा वापस ग्रिप किया बांग्लादेश को, जैसे ही शाकिब आउट हुए उसके बाद दोबारा मौका नहीं मिला उन्हें संभलने का, और एक के बाद दीगरे उनकी विकेट गिरती चली गई और वो जो है वो जल्दी ऑल आउट हो गए। और नसीम शाह ने फिर एक बार टेल को रैपअप किया बड़ी जल्दी से, जो है वो जो 3 विकेटें पाकिस्तान टेल में लेने में कामयाब हुआ। फ़ौरन उन्होंने वो 3 विकेट लगाई, हारिस रऊफ की 50 विकेट्स हो गई हैं काफ़ी तेज़ी से, उनकी भी परफॉर्मेंसेज बेहतर से बेहतर होती चली जा रही हैं। बट वाइल्ड बॉल में तो वैसे ही अच्छे बॉलर हैं वो, मतलब T20 में उन्होंने खास किया था अपने कैरियर को, और बिल आखिर जो है वो वनडे में भी एक मुस्तहकम पोजीशन बना लिया है उन्होंने पाकिस्तानी टीम के अंदर। फिर बात करते हैं कुछ पाकिस्तान की बैटिंग के हवाले से। फखर आज भी फ्लॉप नजर आए मेरे ख्याल से, वो आउट ऑफ फॉर्म है। कोशिश ही करनी चाहिए कि अब्दुल्ला शफीक ड्रेसिंग रूम में डगआउट में बैठे हैं तो उनको चांस दिया जाए। अच्छे ओपनर हैं अब्दुल्ला शफीक और परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं वो भी, और काफ़ी टैलेंटेड भी हैं तो उनको चांस देना चाहिए। और फखर अगर नहीं खेल सक रहे तो उनके ऊपर प्रेशर ना डालें, आप गेम मज़ीद ख़राब होती चली जाएगी, बेहतर ये कि उनको रेस्ट करा दें। और वर्ल्ड कप में जब आप जाएंगे तो कोशिश करें कि उनको जो है वो पाकिस्तान कप अभी होने वाला है हमारा, तो पाकिस्तान कप के कुछ मैचेस उनको मिल जाएंगे तो शायद अपनी फॉर्म वापस बहाल कर सकें। अभी वो आउट ऑफ फॉर्म है फिलहाल, उनको खिलाना मेरी नज़र में ज्यादती है उनके साथ भी और वो पाकिस्तानी टीम के साथ भी, क्योंकि वो एक ऐसे प्लेयर हैं, हम सब मानते हैं कि फखर जमान की काफ़ी टाइम से कोई परफॉर्मेंसेज नहीं है, लेकिन हम सब मानते हैं कि जिस दिन फखर का डे होता है वो क्लिक करते हैं। साथ ही ऐसा नहीं है कि उनकी परफॉर्मेंसेज बिल्कुल नहीं है, 47 का उनका एवरेज है, स्ट्राइक रेट भी अच्छा मेंटेन करके खेलते हैं जब वो खेलते हैं। तो 10 से 15 ओवर फखर जमान का क्रिस पे रुकना ज़रूरी होता है, जब वो 10 से 15 ओवर रुक जाएंगे वो मेक श्योर कराएंगे आपको कि जो है वो फिनिश अच्छा करेगा पाकिस्तान, और पाकिस्तान के 70% जो है वो 70-80% पाकिस्तान के चांसेस मैच जीतने के बन जाएंगे। खैर बहरहाल फिर भी फखर के जल्दी आउट होने के बाद इमाम उल हक नो डाउट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस उनकी पिछले कुछ 6-8 महीने के अंदर उनकी रही है, और एक बार फिर उन्होंने प्रूव किया आज क्या वो वाकई जो है वो बेहतरीन बैटिंग कर रहे हैं इस वक्त, और अपनी ये कह रहे हैं कि फॉर्म ऑफ हिज लाइफ है, और वो जो है वो आगे जो है वो काफ़ी तेज़ी से प्रोग्रेस करते चले जा रहे हैं। साथ बात करेंगे बाबर, आज जल्दी आउट हो गए, थोड़े से लगी रहे, बॉल थोड़ा नीचे रह गया, बॉल पिच शायद आज थोड़ा इतना सूटेबल नहीं था बैटिंग के लिए ऐसा नज़र आया, क्योंकि बॉल थोड़ा फंस के आ रहा था, लेकिन फिर इमाम ने और रिजवान ने एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड की। पहले उनको भी स्टार्टिंग प्रॉब्लम हुई लेकिन उन्होंने इस चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, और बांग्लादेशी बॉलर्स को थोड़ा स्टार्ट में उन्होंने इत्मीनान से खेला, फिर उन्होंने जो है वो लूज बॉल्स को बाउंड्री का रास्ता दिखाया और बिलाखिर पाकिस्तान की जीत को यकीनी बनाया। ये कि इमाम फिनिश नहीं कर सके आज, वो जल्दी आउट हो गए, लेकिन फिर भी उनकी बैटिंग बहुत अच्छी थी और रिजवान ने काफ़ी अच्छा जो है वो उनको सपोर्ट किया साथ ही, तो एक ओवरऑल अच्छा मैच देखने को मिला। इफ्तिखार ने बॉलिंग कराई आज, अच्छा लगा कि इफ्तिखार ने अच्छी बॉलिंग की और टाइट लाइन पर बॉलिंग की, और जो है वो विकेट लेने में भी वो कामयाब हुए। तो इस तरह से पाकिस्तान की ओवर परफॉर्मेंस अच्छी थी। अब ज़रा बात कर लेते हैं कुछ आने वाले मैचेस की। अगला मैच जो है वो मैच नंबर 9 है और इस राउंड का सुपर 4 का सेकंड मैच होगा, जिसमें बांग्लादेश का मुकाबला श्रीलंका, ये दोनों मध्य मुकाबले होंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि हमें वो मैच देखने को मिले, क्योंकि उस दिन भी बारिश के चांसेस हैं और कोलंबो में मैच, अब जो बकिया रिमेनिंग टूर्नामेंट बाकी है वो सारा कोलंबो में खेला जाएगा। तो 9 तारीख को जो मैच है बांग्लादेश मुकाबला श्रीलंका, उसमें बारिश के चांसेस हैं 60-70% वहाँ भी मुतासर हो सकता है मैच पूरा ना हो, लेकिन कुछ लिमिटेड ओवर्स की क्रिकेट में देखने को मिल जाए। तो
तो इस तरह एशिया कप कराने का बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है। आपने एशिया कप ब्रांड को बर्बाद कर दिया। आप जितनी कोशिश कर सकते थे इसको बद से बदतर करने की वो आप करते चले गए, और बिलाकर नतीजा आप देख लें। इस एशिया कप में कोई एक अदा मैच इस तरह का नहीं गुजरा जिसको देखने में मज़ा आया, सिवाय वो लैग जो पाकिस्तान में खेली गई मुल्तान में, जिसमें मैच हुए 3 मैचेस ओवर हो गए। वो तीनों मैचेस हमें पूरे देखने को मिले और बड़ा मज़ा आया। जो क्रूशल मैच था इंडिया पाकिस्तान का, इंडिया मुकाबला पाकिस्तान, वो भी आपने बारिश की नज़र करवा दिया। आपकी जो है वो अहमकाना फैसले जो आपने किए, और अभी भी आप टूर्नामेंट ट्रांसफ़र कर सकते थे, शिफ्ट कर सकते थे वेन्यूज़ को, आप कोलंबो से हम्बन टोटा या डम्बुला में ले जाते। चले डम्बुला में समझ में आता है कि वहाँ पर आपने कह दिया कि जो फैसिलिटीज़ हैं होटल्स की या इसके अलावा जो फैसिलिटीज़ हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आप हम्बन टोटा में तो खेल सकते थे। वहाँ तो इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं था। श्रीलंका प्रीवियसली भी जो है वो टूर्स कराती रही है और वहाँ पे मैचेस होते रहे, और वो एक अच्छा स्टेडियम था, वहाँ मैचेस हो सकते थे। और डम्बुला की एक और बात मैं ऐड करता चलूँ, डम्बुला की मैंने बात की, वहाँ फ्लड लाइट्स का भी थोड़ा सा इशू है, तो वो आप अगर जो है वो नहीं रख सकते थे वेन्यू, आप उसको एक्सक्लूड कर दें, तो आपके पास तब भी हम्बन टोटा का ऑप्शन मौजूद था जहाँ पर बारिश के आसार बिल्कुल नहीं है। तो आप कोशिश ये करते कि आप हम्बन टोटा ले जाते, वेन्यू चेंज करते, मैचेस शिफ्ट करते, और आपको अच्छा जो है वो आगे के मुकाबले वो देखने में नज़र आते। क्योंकि बांग्लादेश ने भी आज भी कम टोटल पर भी कोशिश की, उन्होंने फाइट किया, और अगर शायद उनकी बैटिंग थोड़ी देर वो मुश्फीक और साथ ही शाकिब विकेट पर स्टे कर जाते तो शायद 250 तक हमें देखने को स्कोर नज़र आता, जो इस पिच पे शायद फाइटिंग टोटल हो सकता था। बहरहाल इस बारे में आगे बात जब करेंगे, जब हम फर्दर आगे टूर्नामेंट की तरफ प्रोग्रेस करेंगे। अभी मैच नंबर 9 यानी इस सुपर 4 के राउंड का दूसरा मैच जो है वो 8 तारीख को खेला जाएगा, यानी कल का हमें जो है वो गैप है, परसों फिर हमारा मैच है। उस मैच के बाद हम बात करेंगे इंडिया मुकाबले पाकिस्तान, और नज़र डालेंगे, रोशनी डालेंगे, बाकी चीज़ें भी आपसे शेयर करेंगे, तमाम न्यूज़ भी आपसे शेयर करेंगे जो लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई थी, उसके साथ से रिलेट करेंगे उन चीज़ों को, और फिर हम जो है कम्प्लीट सिनेरियो मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या होता रहा प्रीवियसली, और आगे जो है वो किस तरह चांसेस थे इनके पास इस चीज़ को बेहतर करने की, लेकिन नहीं कर सके। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह नेकी बात।